और हम आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट हैंडलिंग, ये एक्सेल, उससे पहले हम एक्सेल के बारे में जानते हैं। मैं एक फिर आपको स्टार्ट एक्सेल 2007 से कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेल 2007 के अंदर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि लर्निंग पर्पज से बेस्ड है। तो हम एक्सेल 2007 और 13 दोनों पे लेके चलूँगा आपकी इस ट्रेनिंग को। और आज का ट्रेनिंग हमारा है शॉर्टकट हैंडलिंग। आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से हम शॉर्टकट को हैंडल करते हैं। तो उससे पहले हम अगर बात करें, आपके एक्सेल वर्कशीट जो आपके सामने दिख रहा है, जिसमें आपके एक कॉलम्स हैं, एक रो हैं। हमें रो और कॉलम्स के बारे में आपके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसकी लिमिटेशंस के बारे में। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, कोई नई चीज़ लेते हैं, तो उसके लिमिटेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लिमिटेशन के बारे में नहीं जानेंगे तो आपकी आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी सी क्लासेज आपकी, एक दो क्लासेज थोड़ी सी बेसिक चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देनी आपको ज़रूरी है। मुझे पता है आपको बेसिक आता है, लेकिन कुछ ऐसे थ्योरिकल चीज़ें आपको नहीं आती जो कि आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो शॉर्टकट है, हमें लिमिटेशन की बात हुआ कि मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ कितने रो और कितने कॉलम्स होते हैं, इस पर हम जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग, कि हम एक समय कितना लेटर टाइप कर सकते हैं, हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, कितने पेजेज हो सकते हैं, कितने रो की हाइट हो सकती है, एवरीथिंग इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए अब इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? तो इनकी इन्फॉर्मेशन को गूगल में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड पे F1 प्रेस कीजिए। कीबोर्ड पे जैसे F1 प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ पे हेल्प मेनू बार ऊपर दिख रहा होगा आपको, इस हेल्प मेनू बार को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल हेल्प खुल के आ जाएगा। जो एक्सेल हेल्प आपके सामने दिख रहा है, वो एक्सेल हेल्प क्या है? एक्सेल हेल्प आपका एक यूजर मैनुअल है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल आता है, तो सेम इस तरह से एक्सेल के साथ भी आपका यूजर मैनुअल आया हुआ है। अब मैं इसमें इसके सर्च बार ऊपर दिख रहा है, अब मुझे पता नहीं कहाँ पे है, लेकिन हम सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लिमिट्स। जैसे मैं लिमिट सर्च करूँगा, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेल स्पेसिफिकेशंस एंड लिमिट्स। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक किया, अब यहाँ पे आपके फीचर्स, इसकी मैक्सिमम लिमिट, जैसे एग्जाम्पल ओपन वर्कबुक, मतलब कि मैंने एक फाइल यहाँ पे ओपन कर रखी है, ऐसे कितने फाइल एट ए टाइम हम ओपन करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिमिटेड अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। अब एक चीज़ आप क्लियर कीजिएगा, कभी भी कोई पूछे, आप ये चीज़ जान लीजिए कि कंप्यूटर के अंदर में कोई अनलिमिटेड चीज़ नहीं होती है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सिस्टम पे कुछ हमने फाइल ही क्रिएट किया या फिर कुछ टाइप ही किया, हर एक इवेंट आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस को कैप्चर करता है। ठीक है, तो कभी ना कभी, अगर ये बात सही है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक सुई रखने की बराबर होगी, लेकिन वो सुई इतना रखते जाएंगे कभी ना कभी फुटबॉल मैदान भरेगा जरूर। उसी तरह से आप ये मत बोलिए कि आप अनलिमिटेड, आप बोल सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड डिपेंडेंट सिस्टम कैपेसिटी, लिमिटेड अवेलेबल बाई मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स। तो उसी तरीके से जब हम नंबर ऑफ फाइल कितने खोलें वो डिपेंड करता है आपकी मेमोरी पे। वर्कशीट के साइज क्या है, कॉलम का विड्थ क्या है, रो की हाइट क्या है, पेज ब्रेक्स कितने होते हो सकते हैं, नंबर ऑफ कंटेन मतलब कि एक सेल में आप कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप इसको संस्कृत की श्लोक की तरह आप मेमोराइज कर लो, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार कैजुअली इसको पढ़ लो ताकि आगे चल के प्रॉब्लम होगा तो आपको सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि हम क्यों जाने लिमिट्स को, हमें क्या मतलब है कि भाई एक कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, या सेल में कितना टाइप कर सकते हैं, या जितना होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा अपने आप बता देगा कि भाई नहीं होना है। लिमिटेशन की क्या जरूरत है? लिमिटेशन की जरूरत है, जानकारी जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल रो की हाइट की, रो की विड्थ की, कॉलम की विड्थ की बात कर लेते हैं। कॉलम के विड्थ हम मैनुअल यहाँ से हटाते हैं, लेकिन हम VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग की बात करें, आगे चल के जब लेवल 2 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपने VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग आपके पास ऐड होगी, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आपका सेल वैल्यू जो है, सेल की जो वैल्यू है, जो सेल कॉलम विड्थ है, इसकी हाइट अगर आपको बड़ी करनी है, तो आपको लिखना पड़ेगा रेंज AYA.ColumnWidth=1 एक नंबर, जैसे 100, 200, 45, 200, 300, ऐसे नंबर लिखना पड़ेगा करेक्टली, क्योंकि
प्रोग्रामिंग तो करेक्टर ही लिखा जाता है, कोई वहाँ माउस का है ही नहीं यूज। तो उस केस में अगर आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉलम की विड्थ चाहिए, बड़ा कॉलम का विड्थ चाहिए, तो आपने एक 500 डाल दिया, लेकिन क्या 500 आपकी मैक्सिमम लिमिट से लोअर है या लेसर है, तो वहां पे आपको एरर आ जाएगा। या फिर कोई बहुत सारे बंदा पूछता है कि हम एक फॉर्मूले में कितने, एक सेल में कितने फॉर्मूले लगा सकते हैं, कितने फॉर्मूला नेस्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी लिमिटेशन डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला लगाते समय सेल का कंटेन होता है। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो इस सेल का कंटेन जो है तकरीबन 8 या 10 हुआ है, इसकी वैल्यू रिजल्ट वैल्यू 0 है, लेकिन इसके सेल में कितने करेक्टर टाइप है, 8 करेक्टर टाइप है। तो फॉर्मूला हम उतना नेस्ट कर सकते हैं जब जब तक उसका पूरा कंटेन मिलके 32,767 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये सब लिमिटेशंस के बारे में अगर जानकारी है आपके पास तो आपको सहूलियत होगी, वरना आपको कंफ्यूजन होगी और बहुत सारी चीज पे आप ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो लिमिटेशन के बारे में जान लिया आपने, कहाँ से लॉग निकालोगे लिमिट्स को, तो आप F1 प्रेस करोगे और यहाँ पे लिमिट्स सर्च करोगे और एक्सेल एप्लीकेशन एंड लिमिट्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपके सारे लिमिट्स मिल जाएंगे। तो लिमिट्स के बारे में जानना कैसे जानेंगे, कविता जी आपको समझ में आ गया? विक्रम जी कोई डाउट आपको? अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं कि अगर मुझे किसी अपने एक्सेल के किसी ऑप्शंस के बारे में जानना है, मैं भूल चुका हूँ या थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया मिल जाए तो मैं आगे परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इस चीज़ के लिए आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उससे देखते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि गूगल पे जो चीज़ें आप सर्च करते हो, ज़रूरी नहीं है अगर गूगल पे सर्च की चीज़ें आपको सही हो, वो गलत भी हो सकती है। क्यों? गूगल पे जो चीज़ें डलती है जैसे वो हम जैसे आप जैसे लोग डालते हैं, प्रूफ रीडिंग उसकी नहीं होती है, तो कहाँ से देखोगे? तो एक किसी भी ऑप्शन के बारे में जानने के लिए बस उस पर आप कर्सर रखिए, कर्सर रखते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन टिप्स दिख जाता है, उसको पढ़िए। अगर उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलता है तो F1 प्रेस कीजिए, F1 प्रेस करते यहाँ पे पूरी की पूरी उसके और भी डिटेल्स आ जाएंगे। तो जो एक्सेल हेल्प में जो चीज़ें दी गई है वो प्रूफ रीडिंग के साथ दी गई है, वो गलत नहीं हो सकती। तो कभी भी आपको मतलब कि कुछ चीज़ सर्च करना हो तो पहले आप एक्सेल के हेल्प में सर्च करें, वहाँ समझ में आए देन आप गूगल पे जाए, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो कर्सर ले आते हैं आपको दिखे, से कर्सर ले आते हैं आपको दिखा, नीचे F1 प्रेस किया, आपके हेल्प में वो चीज़ सर्च के जरिए दे दिया, लेकिन हर ऑप्शन का सर्च करके नहीं देता। जैसे आप पेज के बारे में करें तो पेज के में नीचे F1 लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना, इसलिए ये सर्च करके नहीं देगा, सीधे होम पे लेके चला जाएगा, आप यहाँ से ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने किसी ऑप्शन के बारे में, उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में आप ढूंढ सकते हैं। एक्सेल हेल्प आपको मदद करता है, एक्सेल हेल्प में हर चीज़ दी गई, एक एक फीचर्स के बारे में दिया गया है, उसका यूज हर चीज़। 2013 के हेल्प तो और अच्छा अपडेटेड हो आके आ गया, अपडेटेड हो गया, बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है शॉर्टकट्स। देखिए शॉर्टकट्स क्या होता है, पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ, इसे जानते हैं आप लोग। किसी भी ऑप्शन को हम दो तरीके से हम यूज करते हैं, एक तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर पॉइंट करके क्लिक करके हम उसको अप्लाई करते हैं, या दूसरा हम आपके कीबोर्ड शॉर्टकट से अप्लाई करते हैं। कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, शॉर्टकट प्रेस करके हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जब माउस से हम काम करते हैं तो माउस से अपेक्षा कीबोर्ड आपका 30% फास्टर काम करता है। मतलब कि अगर माउस से कोई काम कर रहा है और सेम काम कोई कीबोर्ड से पूरा कर रहा है तो माउस पहले से 30% जब फास्टली वो काम करेगा, ऐसा बहुत जानते हैं, तुमने बता रखे हैं, बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि 30% 25 से 30% का जो स्पीड आपका इंक्रीज हो जाता है और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ जाती है और एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ता है। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और पूरा पूरा काम कीबोर्ड से कर रहे हैं, माउस बिल्कुल नहीं छोड़े, सामने वाला देखेगा और बोलेगा हाँ यार इसके बाद तो
है, क्योंकि तो अगर कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो मतलब कि इसके पास नॉलेज है, इसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि कीबोर्ड पे हाथ ऐसे नहीं बैठता है, रट्टा मारने से नहीं बैठती है। तो शॉर्टकट्स के बारे में हम कैसे जाने? तो सबसे पहला तरीका है कि जिस शॉर्टकट के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर कर्सर रखिएगा, ऑटोमेटिक उसका शॉर्टकट आपको दिख जाएगा, जैसे पेस्ट कंट्रोल वी, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल, ऐसे आपको इसके शॉर्टकट्स दिख जाएंगे हर एक ऑप्शन से। अब यहाँ पे एक जिक्र और आता है कि ऐसा मतलब कि एक लिस्ट हमें मिल जाए जहाँ से हम शॉर्टकट्स निकाल सकें, ये तो भाई एक एक करके लिस्ट में टाइप करना, एक एक देखना हो जाएगा, चेक करना हो जाएगा। तो जहाँ आपने लिमिट सर्च किया था वहीं पे आप सर्च कीजिए शॉर्टकट, एक्सेल हेल्प में F1 प्रेस करके एक्सेल शॉर्टकट्स, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको इसका ऑप्शन आएगा, इसमें की और इसके डिस्क्रिप्शन पूरे हुए, जितने भी एक्सेल में डायरेक्ट शॉर्टकट्स अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे शॉर्टकट्स यहीं पे आपको मिलेंगे। अब इसकी प्रिंटआउट निकाल लीजिए या इसको देख लीजिए, कर लीजिए। अब इसको रट्टा मारने से आपको नहीं आएगा, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आपकी हैबिट बढ़ेगी। अब अप्लाई कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, मैं किस तरह से मैंने इसको मेमोराइज कर इस पर हाथ बैठा है? तो हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप जो है दिन में ऑफिस में ऑफिस बावर में कोई ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपके पास काम कम होगा, काम होगा भी तो उसका कोई डेडलाइन नहीं होगा कि हाँ आपको 10 मिनट में करके देना है या आधे घंटे में देना है या इतने बजे तक देना है। क्योंकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्लो चलेगा काम, उस समय आप बिल्कुल माउस यूज मत करो, हर एक काम कीबोर्ड के जरिए करो। अब पूरा का पूरा डिसाइड कर लो कि मुझे माउस बिल्कुल यूज नहीं करना है, हर काम को कीबोर्ड के जरिए करना है। तो धीरे धीरे आपका घंटे 2 घंटा पूरा दिन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके माउस पे स्पीड बनता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे निकालेंगे समझ में आ गया आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप F1 प्रेस कीजिए, चाहे इस हेल्प आइकन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सर्च बार जो हेल्प के सर्च बार है उसमें जाइए और टाइप कीजिए शॉर्टकट्स, और शॉर्टकट्स में आ जाकर एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की का जो सर्च आएगा उस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे, ठीक है सर? समझ में आ गया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है कि मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि आप शॉर्टकट के साथ काम करो, मतलब शॉर्टकट को मतलब कि पूरे के पूरे शॉर्टकट को यूज करो, माउस का बिल्कुल यूज मत करो। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके हर ऑप्शन का शॉर्टकट अवेलेबल तो नहीं है क्या? अगर मुझे कलर अप्लाई करना है तो उसका शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है, अगर मैं यहां पे चाहता हूं कलर अप्लाई करना तो कलर अप्लाई करने का शॉर्टकट अवेलेबल तो नहीं है ना? तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अगर आप ऐसा कीवर्ड, ऐसा चीज जिसके लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है या फिर आपको याद नहीं है, आप उसके क्या करोगे, उसको आप F1 प्रेस करोगे। जैसे आप F1 प्रेस करोगे, सॉरी एफ माफ कीजिए अल्ट, मैं गलत बोल गया सर, आप अपने कीबोर्ड का अल्ट की प्रेस कीजिए। जैसे मैं अल्ट की प्रेस करूंगा आप ऊपर देखिए आपके मेनू बार यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, हो गए, हर मेनू बार के सामने एक बॉक्स के अंदर शॉर्टकट बना आ गया, जो शॉर्टकट बॉक्स में बन के आ रहा है वो आपके शॉर्टकट्स हैं। मुझे होम के अंदर जाना है तो मैं कीबोर्ड का एच दबाऊंगा, एच दबाते ही होम मेनू के जितने भी जो आइटम्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो गए। मुझे कलर फिल करना है, वापस एच दबाऊंगा, कलर सेलेक्ट कर लूंगा, तो बिना माउस यूज किए कर सकता हूँ। जैसे मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है तो अल्ट एच से होम, बी से बॉर्डर और ए से ऑल बॉर्डर, यहाँ पे ऑल बॉर्डर आ रहा है, ए लिखा हुआ है ऑल बॉर्डर।
तो फर्स्ट टाइम वो देखना पड़ा, सेकंड पर मैंने पैटर्न बना लिया कि एच से होम, बी से बॉर्डर, ए से ऑल बॉर्डर, तो अल्ट बी एच ए, सॉरी अल्ट एच बी ए, याद हो गया। तो ऐसे आप पैटर्न याद कर सकते हो, जैसे कि अल्ट डी एस एस एस, अल्ट 2003 में था, अल्ट से मेनू एक्टिव होता था, डी से डेटा मेनू बार, और आपका पी से एफ से फिल्टर, ए से ऑटो फिल्टर। ऐसे पैटर्न आप अपने याद कर सकते हो। तो किसी भी कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करने के लिए आप ऑल्ट की यूज कर सकते हो। तो कविता जी, ऑल्टरनेटिव की का मेथड समझ में आया? हाँ ओके। अब इसमें बारी आती है, अगर आपको राइट क्लिक करना हो तो आप राइट क्लिक करने के लिए अपने कीबोर्ड का जो राइट क्लिक का बटन है उसको दबाइए। कीबोर्ड में राइट क्लिक बटन होते हैं। अब यहाँ जो राइट क्लिक का बटन आया है, इसमें देखिए कि आपके जैसे कट हो गया, कॉपी, इंसर्ट, जितने भी ऑप्शन दिए हैं, हर ऑप्शन के किसी न किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन है। ये जो अंडरलाइन है ये आपका शॉर्टकट है। मुझे अगर फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो मैं एफ दबाऊंगा, एफ दबाते हैं वहां फॉर्मेट से ला जाएगा। अब मैं टैब से इसके अंदर मूवमेंट करूंगा, टैब और एरो की से मैं इसके अंदर मूव करूंगा, इसके अंदर वर्क करूंगा, टैब और एरो की, अप डाउन एरो की, जो भी करना चाहते हो। अगर मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब से मैं अलाइनमेंट में जाऊंगा, फिर टैब से इसके अंदर मूव करूंगा। अगर मुझे किसी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है तो दो चीज़ें, एक तो जो जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है वो दबा, जैसे मुझे स्ट्रिंग टू फिट करना है तो स्ट्रिंग टू फिट में आपके क्या के है, तो के दबा दूंगा तो के नीचे आपका क्लिक हो जाएगा, या फिर आप स्पेस बार से क्लिक अनक्लिक यूज कर सकते हैं। सेम मुझे फॉन्ट पे जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो कंट्रोल टैब यूज कर सकते हैं। अब मैं बॉर्डर पे हूँ, अब मुझे यहाँ से रिवर्स अलाइनमेंट पे आना है, तो मैंने ये बताया कि कंट्रोल टैब से मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे रिवर्स आना है। तो आपके कंप्यूटर में शिफ्ट की होता है, कीबोर्ड के अंदर, तो शिफ्ट की क्या करता है, हमेशा रिवर्स का काम करता है। रिवर्स मतलब कंट्रोल टैब से मेरा आगे बढ़ता है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब से रिवर्स होगा, कंट्रोल शिफ्ट टैब, रिवर्स आया, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से रिवर्स, ठीक है। तो कोई एक जरूरी नहीं है कि आप यही वक्त जो भी आपके पास जो पॉपअप मेनू बार आते हैं उसको इसी तरह से आप हैंडल कर सकते हो, जो डायलॉग बॉक्स बन के आते हैं। क्लियर है आप लोगों को? हाँ अब बात करते हैं कि एंटर, जब हम एंटर सॉरी इसे एरो की जो कर्सर है, कर्सर को मूव करने के लिए हम एरो की यूज करते हैं, डाउन वाले के अप लेफ्ट राइट ये यूज करते हैं। अगर कभी सिचुएशन ऐसी आए कि आपका एरो की खराब हो गया है, स्क्रॉल लॉक लॉक हो गया है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ पे एरो की यूज नहीं हो सकता या नहीं कर सकते आप, वहां पे अगर कर्सर मूव करना हुआ तो कैसे करोगे? तो आपके पास दो की है, एक आपका एंटर का की है जो नीचे आता है, एक आपका टैब का की है जो कि आगे आपका लेफ्ट टू राइट जाता है। तो मैंने बताया अभी कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। तो अगर मैं कंट्रोल एंटर शिफ्ट एंटर मारूं, सॉरी शिफ्ट एंटर मारूं, तो मैं कर्सर डाउन की जगह अप जाएगा, तो ये डाउन और अप, शिफ्ट के साथ मैंने एंटर किया तो अप। अगर मैं टैब यूज करूं तो टैब से आगे बढ़ेगा और शिफ्ट टैब से पीछे आएगा, टैब से आगे और शिफ्ट टैब से पीछे, तो हो गया, इसका यूज कर सकते हो आप। क्लियर है विक्रम जी? क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आते हैं कि अगर मेरा कीबोर्ड वर्क ही नहीं कर रहा, मान लीजिए कि मेरा कीबोर्ड आउट ऑफ वर्क हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मुझे अर्जेंटली कुछ टाइप करना है, जैसे आपको मेल आईडी टाइप करनी है, तो एट द रेट का वो ऑपरेटर काम नहीं कर रहा आपका, इस सिचुएशन होती है, तो कीबोर्ड चेंज करने का लंबा प्रोसीजर हो जाएगा फॉलो करना। तो आपके सिस्टम में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इसको हम वर्चुअल कीबोर्ड भी कहते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप टाइप, अब कीबोर्ड का पूरा काम माउस से कर सकते हैं, दोनों आ गया, अगर माउस नहीं है तो पूरा काम कीबोर्ड से कर सकते हो, अगर कीबोर्ड नहीं है तो पूरा काम आप माउस से कर सकते हो, शिफ्ट एट द रेट अल्ट ये आता है आपको यहां से,
ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। आप अगर आपके पास विंडोज 7 है तो सर्च बार में आप सर्च कर लीजिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है, या विंडो 8 है तो वहां पे सर्च कर लीजिए, आ जाएगा आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ठीक है। देखा जी, समझ में आया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट चीज होते हैं। अगर अभी तो हमने क्या सिस्टम के अंदर आपके एक्सेल के अंदर की जो चीजें थी, जो आपके ये था बेनिफिट था, उसके बारे में तुमने जिक्र कर लिया। उसके बारे में तो मैंने जिक्र कर लिया, लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक ये आ गया, मतलब कि आपको जो डेस्कटॉप पे काम करना हुआ, किसी फोल्डर में काम करना हुआ, किसी अदर एप्लीकेशन में काम करना हुआ, वहां पे फिर माउस पर करना पड़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं माउस मुझे कहीं भी पकड़ना ना पड़े, मैं सबके शॉर्टकट जानना चाहता हूँ, तो उस केस में अभी आप विंडो के शॉर्टकट भी जान सकते हो। कैसे? आप विंडो बटन के साथ F1 प्रेस करो, जैसे मैं F1 प्रेस करूंगा आपके यहाँ पे विंडो का हेल्प आ गया। अब मैं इसमें सर्च कर लूंगा शॉर्टकट, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट आ गए, सर्च कीजिए, यहाँ शो ऑल पे क्लिक कीजिए, ये आपके सारे शो ऑल आ गए, ये आपके सारे विंडोज रिलेटेड की हो गया, जो आप लोगे F1 से आपका हेल्प डिस्प्ले होता है, कंट्रोल से, ये जनरली आ गया, जनरल शॉर्टकट की वजह से सब में वर्क परफॉर्म करते हैं, ये सब में परफॉर्म करता है। डायलॉग बॉक्सेस में ऑल टैब, कंट्रोल टैब से मूव होता है, कंट्रोल शिफ्ट से बैक होता है, टैब से उसके अंदर फॉरवर्ड करते हैं, शिफ्ट टैब से रिवर्स होता है, एंटर, स्पेस बार, एरो की, F1, F4, आप बिंदु बटन के साथ जो लोगों के साथ प्रेस होता है वो हो गया। आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज देखना है तो ये विंडो डबल्स ना, जो पॉज का बटन होता है ना वो दबा दीजिए, ये आ गया सिस्टम की प्रॉपर्टीज। तो ये चीज है, अब इसको भी एक बार आप पढ़ लोगे अगर टाइम आपके पास, तो आपके लिए बेनिफिट भी लेगा। क्या सर? अब दूसरी बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर फाइल है, जैसे मान लो कोई फाइल है आपके पास, उस फाइल को मुझे खोलना है, उस फाइल के बारे में जानना है, तो जब तक मैं उस फाइल को खोलूंगा नहीं तब तक जान उसके बारे में जान नहीं पाऊंगा। एक एक तरीका है, आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए और इसके डिटेल्स मेंटेन कर दीजिए। जैसे मैंने दे दिया कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट फाइल फॉर आईपी, ठीक है। आप सब्जेक्ट मेंटेन कर दीजिए, टैग कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं, एंड अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब देखिए, जैसे मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको, हाँ जैसे मैं इसको कर्सर ले जाऊंगा, कर्सर ले जाते हैं, देखा है क्या क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट फाइल फॉर आईपीटी। तो मुझे इस फाइल के बारे में जानने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसका इसका टाइटल या सब्जेक्ट या भी जो भी टैग है वो मिल गया, इससे बेनिफिट हो गया। और दूसरा, मैं भूल गया कि मेरा फाइल कहाँ पे, तो मैं जाऊंगा सर्च बार में, और सर्च बार में मुझे कुछ भी याद है, मैं ट्रेनिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, मुझे ट्रेनिंग याद है, सर्च हो रहा है, तो ये ट्रेनिंग में आपका ओ भी आ जाएगा। ड्रॉप बॉक्स का आईपीटी से वो आईपीटी भी आ जाएगा, क्योंकि तो मैं टाइटल में डाल रखा है तो टाइटल को भी पिक कर लेता है। ठीक है, तो इससे आपको सर्चिंग में मदद मिलती है और बाकी चीजों में मदद मिलती है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट होता है। और भी सर्चिंग कीवर्ड ऐड करने, तो आप इसमें प्रॉपर्टीज में जाके राइट क्लिक जाके ऑप्शन पे जाके और यहाँ डिटेल्स में अपने कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, सर्चिंग की टैग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी मेंटेन करना बहुत अच्छी चीज है। एक तो आपको फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, कर्सर ले जाते हैं आपका पता चल जाता है। अगर आपको किसी और जैसे आपको वर्ड का या फिर किसी और एप्लीकेशन का शॉर्टकट चाहिए,
तो उसके लिए भी आप हेल्प यूज करके उसका शॉर्टकट आप ले सकते हो। F1 प्रेस, यहाँ पे F1 प्रेस कीजिए और यहीं पे इसका शॉर्टकट सर्च कर सकते हो, यहीं पे शॉर्टकट, तो आपको सारे शॉर्टकट्स आ जाएंगे। ठीक है, हेलो, हेलो, योर वॉइस इज़ अ लिटिल स्लो। ओके, राइट, या दिस इज ऑनलाइन ट्रेनिंग। वेयर कॉलिंग फ्रॉम?